और पहली बार ऐसा हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट ये कह रही है फील्ड से कि हवा का रुख समझ में नहीं आ रहा है, गोवा में किधर जाएगी। जिन नेताओं के नाम लिए, चाहे माइकल लोबो के नाम लिए, चाहे उत्कल परिकर का नाम लिया, क्या आपको लग रहा है ये बीजेपी के लिए नुकसान होगा? अगर आप रिवाइंड करके 2017 का देखें तब भी यही था, तब भी हंग असेंबली आई थी। हंग असेंबली गोवा की एक तरह से पहचान बन गई है। सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि कौन नंबर एक पार्टी होगा हंग असेंबली में, सवाल ये है कि सरकार कौन बनाएगा। क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह से फिर इस बार अगर सिंगल लार्जेस्ट हो जाती है तब भी चूक जाएगी, या उसने कुछ सबक सीखा है और अपना घर जो है बिल्कुल ठीक है। दिबांग, इस बार एक बड़ा दिलचस्प जो रुख आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर जगह कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वन साइडेड लड़ाई कहीं भी नहीं दिख रही, और बीजेपी और कांग्रेस की ये सीधी लड़ाई है। गोवा में भी ऐसे ही दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, देखिए गोवा में कुछ भी कहिए, एंटी इनकम्बेंसी है। गोवा में पहली बार बड़े चुनाव हो रहे हैं जिसमें उनके सबसे बड़े नेता मनोहर पारिकर नहीं हैं, और विद्रोही बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो भी डिसऑर्गेनाइज किस्म की है, नए चेहरे बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस का गोवा फॉरवर्ड पार्टी से तालमेल भी है, लेकिन इसके बावजूद गोवा में देखना होगा कि बड़ी जोर शोर से कोशिश तो की थी और बहुत सारे नेता उनके प्रयास भी कर रहे थे कि टीएमसी क्या कर पाती है, आम आदमी पार्टी कितनी खड़ी है। राजकिशोर जी, ममता बनर्जी फैक्टर देखिए, कुल मिला के गोवा छोटा राज्य था, छोटी पार्टियां, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने वहां पर बहुत जोर लगाया, लेकिन मुकाबला सीधे सीधे वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ा। महत्वपूर्ण ये होगा कि ये लोग कितना वोट काटकर किसको कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। सीपी राय साहब, ये पहले अभय दुबे जी आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। अभय दुबे जी, पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी। तो जब कभी ऐसा होता है तो कभी कभी जनता ये भी सोचती है कि जिसको हमने पिछली बार सबसे बड़ा दल बनाया था उसको क्यों ना इस बार पूर्ण बहुमत दे दिया जाए, जनता ये भी सोच सकती है। ठीक है, सीपी राय साहब, क्या है आपकी राय? मैं अभय दुबे जी की राय से सहमत हूँ। पिछली बार कांग्रेस को बड़ा दल बनाया था लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए, ये सच है कि इस बार वहाँ की जनता वही फैसला करेगी जो अभय दुबे जी कह रहे हैं। और गोवा के लिए ये कहा भी जाता है कि कोई भी विधायक एक पार्टी में टिका नहीं है, वहाँ जितने भी विधायक हैं वो एक के बाद दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। अवनीश अवस्थी जी, भाजपा के बड़े चेहरे अब मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि शोभना जी एक बात बड़ी साफ सी है कि एक जो परसेप्शन बना हुआ है प्रदीप जी, जो परसेप्शन है कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समूचा विपक्ष है, चाहे वो यूपीए का हिस्सा ना भी हो टीएमसी या आम आदमी पार्टी, लेकिन नेशनल मुद्दों पर वो सब एक साथ एक ही राय रखते हैं। इसलिए या तो बीजेपी या बीजेपी के अलावा जो लोग वोट देना चाहते हैं वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो वोट जो है एंटी बीजेपी वोट जो है वो इन तीन पार्टियों में किसी न किसी रूप में बटेगी। वो बहुत कम हो ज्यादा हो ये बात का बात है। नहीं देखिए, ये तो बीजेपी के लिए कहा ही जाता है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो सरकार बनाती है, और नहीं जीतती है तो फिर तो जरूर ही बनाती है। प्रदीप जी, नहीं मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा था कि उनके 17 विधायक जीते थे, सिर्फ एक प्रताप सिंह राणे रह गए जो 5-6 बार मुख्यमंत्री हो चुके, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कांग्रेस की समस्या उसकी अंदरूनी ज्यादा है, उसके विरोधियों से उसको कम समस्या है, उसको अपने लोगों से ज्यादा समस्या है, चाहे वो गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे फिर उत्तराखंड हो। ठीक है, तो मैं देखिए तमाम ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इनकी राय भी आपने सुनी, तीन राज्यों के जो 2017 के नतीजे थे वो भी हमने आपको दिखाए, और बड़ी खबर यही है कि बस अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ा सा इंतजार, और आपकी टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।